वेलकम है आपका कुकिंग टाइम विद नूर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आप सबको मेरी तरफ से बहुत दिली ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और आपको हज़ारों ईदें देखना नसीब हो, आमीन। तो आज जो हमारे किचन में रेसिपी बनने जा रही है वो है ब्राउनी कस्टर्ड, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इस ईद पे, और इसको आप ट्राइफल भी कह सकते हैं। आप इसको स्पेशली ईद पे ज़रूर ट्राई करें। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। तो चले चलते हैं इसको बनाने की तरफ। मैं बनाती भी रहती हूँ, साथ साथ आपको बताती भी रहूँगी इसकी क्वान्टिटी, ठीक है। यहाँ मैंने जो है दो कलर की जेलियाँ ले ली हैं, जेलीज़ ले ली हैं दो कलर की, जो कि रेड और ग्रीन है। और रफान का मैंने वनीला कस्टर्ड ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे बनाती भी रहूँगी और साथ साथ आपको क्वांटिटी बताती रहूँगी, ठीक है। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने दूध जो है वो 1 किलो ले लिया है, जिसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर सिंपल ही सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने सिर्फ इसमें सेवैयाँ डाली हैं। अब इसके अंदर मैं, ठीक है, इसके अंदर मैंने सेवैयाँ ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर जो है मैं चीनी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। वो चीनी जो है 1 किलो दूध में मैं डालूँगी 1/2 कटोरी के करीब। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा दूध जो है बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुका है, हमारी सेवैयाँ भी अच्छे से पक गई हैं। तो इसमें चीनी मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी के करीब, ठीक है। तो चीनी मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। तो यहाँ मैं डब्बा खोलती हूँ। और इसके अंदर से मैं 4 टेबलस्पून इसके अंदर डालूँगी मैं कस्टर्ड के। फोर टेबल स्पून के करीब मैं इसमें वनीला कस्टर्ड। तो यहाँ मैंने जो है कस्टर्ड डाल दिया है, ठीक है। कस्टर्ड मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। अब इसके अंदर दूध ऐड करती हूँ और अच्छे से हम विक्स की मदद से अच्छे से जो है कस्टर्ड, हमारा जो दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। सेवैयाँ भी अच्छे से हो चुकी हैं, ठीक है, इसमें। और चीनी जो डाली थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर डालते हैं कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके, और इसको विक्स की मदद से हिलाते रहेंगे कि ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये वाला कस्टर्ड जो है आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी है, ठीक है। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा था क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो गया था, ठीक है। ये लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने इसमें, ठीक है। हमारा जो है बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी है, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ़ करती हूँ और बनाते हैं हम जेली, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी है, ठीक है। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा करने के लिए, जब तक हम अपनी जेली तैयार करते हैं, ठीक है। एक जेली आपको बना के दिखा देती हूँ, दूसरी भी मैं उसी तरह से बनाऊँगी, ठीक है। इस तरह मैं आपको एक जेली बना के दिखा रही हूँ, उस तरह मैं दूसरी भी बना लूँगी, ठीक है। इस तरह मैं 1 कप आधा कप जो है पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं 4 टीस्पून जो है जेली के डाल दूँगी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पैन इसके ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 कलर की जेलियाँ बनानी हैं। तो इस तरह मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। तो यहाँ हमारी जेली जो है वो रेडी है, ठीक है। मैं इसको बॉल में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इक्वल साइज़ के बॉल रखे हुए हैं, इसमें ही मैं जेली को जमा दूँगी, ठीक है। इसमें डालते हैं जेली जो हमने रेड कलर की डाली है। कस्टर्ड भी तैयार है, हमारी जेली भी तैयार है, बस ये जमने का इसका इंतज़ार है। ये दोनों जेली जमती हैं तो हम अपना कस्टर्ड ब्राउनी कस्टर्ड ट्राइफल जो है वो रेडी करते हैं, ठीक है। देखिए जी, हमारी हर चीज़ जो है वो रेडी है। यहाँ पर मैंने जेली भी जो है वो भी जम चुकी है, हमारी रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी, दोनों रेड रेड और ग्रीन दोनों जमी हुई हैं। और यहाँ पर मैंने
कुछ केक रखे हुए हैं जो कि ब्राउनी केक हैं, और यहाँ पे कस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है चॉकलेट चिप्स हैं, ठीक है। इसको डेकोरेट करेंगे इससे हम, तो चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं केक। मैंने केक लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्राउनी केक लग गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखिए हम, बड़े खूबसूरत लगेंगे यहाँ से दिखने में। तो यहाँ से इस पर डालती हूँ मैं कस्टर्ड जो हमने तैयार करके रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो है ये निकल आई हमारी जेली, ठीक है। इसको मैं डालूँगी एक और लेयर में यहाँ पर, ताकि हमारे साइडों से दिखे ये जेली। और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ट्राइफल जो है बनेगा, इसको ज़रूर ईद में ट्राई करिएगा, ठीक है। ये जेली और निकल आई हमारी। तो देखिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ट्राइफल ब्राउनी कस्टर्ड जो है वो रेडी है। नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। अगर आपको ये दिख रहा हो तो बहुत ही यमी सा हमारा ट्राइफल जो है वो रेडी हुआ है। आप इसको ईद में ज़रूर ट्राई करें। मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।